ये झाड़ियाँ छाड़ियाँ क्या सीन है यार ये बाबे। यहाँ पे कुछ चीज़ लेनी है कि बंदा खड़े ही कोई नहीं है यार। किधर के बंदा किधर है? नो मम्मी डैडी मॉल, फुल जेसी मॉल भाई। मम्मी डैडी मॉल बंदा कब है? जब वो मस्तूरात होती हैं यार। इधर नमाज पढ़ने आए हैं, समझ नहीं आ रही जाना कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ ताला लगा हुआ है, कह रहे हैं कि छुट्टी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग जी। क्या हाल है जी सबका? खैरियत से हैं? ठीक हैं? चेक करें आज हम किधर मौजूद हैं, कोई आइडिया हो रहा है आपको? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें किधर की हैं? ये हैं जी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की। तो आज हम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, तो कुछ टेस्ट के हवाले से हम इधर आए थे। टेस्ट तो हो गया है, तो अभी कुछ कह रहे हैं कि आपसे हमने कुछ मज़ीद मालूमात लेनी है। तो टाइम था, सोचा कि आपको कैंपस टूर कराते हैं, कैसा कैंपस है। और ये जगह तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जगह, तो बहुत बड़ी जगह है। और ये मशहूर है कि ये मर्दाना यूनिवर्सिटी है, स्पेशल मर्दों के लिए बनाई गई है, ठीक है। और अभी ये जा करें बिल्डिंग माशाल्लाह से। और ये अच्छा, इस यूनिवर्सिटी में ना आप ये चीज़ें कॉमन देखोगे, जो भी ब्लॉक्स हैं ना, उस ब्लॉक का जो इंटीरियर है या फिर जो सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पे इस तरह का आपको ना एक ये गार्डन टाइप मिलेगा, ठीक है। ये इस यूनिवर्सिटी की बड़ी बेहतरीन बात है। ये चेक करो आप कि आप यहाँ पे आके ना बैठ सकते हो, गपशप कर सकते हो किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, मेल मेल, ठीक है। ये हम डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तकरीबन सारे डिपार्टमेंट एक जैसे ही हैं। ये थोड़ा सा ये शरिया वाला डिपार्टमेंट है, यहाँ पे कुछ ना ये क्या लिखा हुआ है जनाब, चेक करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ये इस्लामिक कल्चर एंड दवात है भाई जान। कोई तो गेट ही मिल रहा भाई, भाई एग्जिट गेट किधर है? ये बाहर किधर निकलता है ये? मेहरबानी। सारी गैलरियाँ हैं, समझ नहीं आ रहा भाई। उधर से उधर, इधर से उधर, दोबारा फिर एंट्री में पहुंच जाता हूँ। सीधा चलो भाई, सीधा चलते हैं। यहाँ से खब्बा सजा, खब्बा मेहरबानी, फिर सजा ऐ खब्बा हो गई। अच्छा माशाल्लाह यार, बिल्डिंग इसकी बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। बड़ा एक इस तरह तारीखी मुकामात होते हैं ना, उस तरह का इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है, सुकून है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। मगर आपको पता है कि थोड़ा सा ये है कि बजट वगैरह नहीं देते, खर्चा नहीं करते। अच्छा भाई, पता चला कि ये जो यूनिवर्सिटी थी ना, ये 1980 में बनी थी। और सबसे जो अच्छी बात ये है इस्लामिक यूनिवर्सिटी की कि ये यकम मुहर्रम को बनी थी, ठीक है। मतलब कि इस्लामिक मंथ की जो पहली डेट है उस तारीख को ये बनाई गई थी। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि यहाँ का जो लॉ डिग्री है वो ज़्यादा फेमस है, ये अपने लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और जब ये बनाई गई थी, पहले इसके मैक्सिमम 7 स्टूडेंट्स थे, सिर्फ 7 लॉ के। और अभी माशाल्लाह से चेक करें कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और अब तो 17,000 से ज़्यादा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। ये है हमारा मैथ्स डिपार्टमेंट, सही है। चेक करो इसकी बिल्डिंग, और ये कुछ मैथमेटिशियन लोग अंदर जा रहे हैं। और हाँ भाई, ये सारों की गाड़ियाँ शाड़ियाँ इधर खड़ी हुई हैं, सही है। इसकी अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि रोडें बनी हुई हैं डिपार्टमेंट का, ठीक है। आप ले जो गाड़ी मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने जाके पार्क करो, नहीं तो बेशक अंदर ले जाओ, मसला नहीं है। ये जो जगह नज़र आ रही है ना, इसके अंदर ही ले जाओ, कोई मसला नहीं है। अपनी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी।
देखें आप खरीद रहे, तो मैं पिज़्ज़ा पराठा पेशे खिदमत है। और यार इस्लामी की चाय, ओए होए होए बहुत बढ़िया चाय है यार, दूध वाली देसी। भाई वहाँ पे डबल पैक दिए हैं काम शहर में। तो ये देखें भाई भी तारीफ कर रहे हैं, चाय कैसी है भाई जान, मज़े की है ना, चाय सा रही है ना सही, फुल बंदे को जहाज़ बना देती है ना। ये पीछे भाई चेक कर रहे हैं, फुल देसी मॉल है, फुल देसी, नो मम्मी डैडी मॉल, फुल देसी मॉल भाई। मम्मी डैडी मॉल बनता कब है, जब वो मस्तूरात होती हैं ना में सारे छड़े लोग। यार इधर नमाज़ पढ़ने आए हैं, समझ नहीं आ रही जाना कहाँ से है, क्योंकि यहाँ भी लगा हुआ ताला लगा हुआ है, कह रहे हैं कि छुट्टी हो गई है। और ये एक किस्म की पूरी मस्जिद टाइप बना हुआ है, यहाँ पे जुमा वगैरह यहीं भी होता है मेरे ख्याल में। तो सोचा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी आए हैं तो नमाज़ तो पढ़नी चाहिए यार, अच्छी बात है। पर अभी हम कोई वजू वगैरह की जगह ढूँढ रहे हैं, तो करते हैं। असल में यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है कि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड उतना के नहीं आपको मिलेंगे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ना, जगह जगह बहुत बड़ी जगह, मतलब कि डिपार्टमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, पर डिपार्टमेंट्स के बाहर आपको उतना कि साइन बोर्ड नहीं मिलेगा। वो देखो ये भाई आ भी जाओ यार, पता चला है कि ये मस्जिद बंद क्यों है, कि कहते हैं कि ये सेंट्रल मॉस्क इस्लामिक यूनिवर्सिटी और इसी जुमे को ओपन होती है। ये हमें बहुत ही अक्लमंद बंदे ने बताया है, उस भाई ने जस्टी गूगल मारा है कि इस मस्जिद का नाम क्या है। दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, गूगल क्या बता रहा है भाई, हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कह रहे कि जाते जो भाई। झाड़ियाँ छाड़ियाँ क्या सीन है यार, ये बावे बावे ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी की मॉल है ना, ये आ गई जाकर। चलो भाई नमाज पढ़ते हैं फिर मिलते हैं। इंटरव्यू वगैरह हो गया ठीक है, तो बस अभी हम जरा वापसी की तरफ निकलते हैं। देखा यहाँ पे भी ये सीन है, जहाँ पे जितने भी हर डिपार्टमेंट के जो जो सेंटर पॉइंट है ना, उसमें इन्होंने ये बादशाह बनाया है। यहाँ पे कोई चीज़ लेनी है, कोई बंदा खड़े ही कोई नहीं है यार, किधर कोई बंदा किधर है पता नहीं, ये क्या चक्कर है भाई। अच्छा बस यार हम बस अभी निकलते हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, तकरीबन टाइम काफ़ी हो गया, पूरा दिन हमने यहाँ पे गुजारा। अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ, पर आज सोचा कि यार टाइम है तो आज आपको हम इसका कैंपस टूर कराते हैं। तो आप बताओ आपको कैसी यूनिवर्सिटी लगी है, थोड़ा सा जितना मैं बना सका आपको दिखा सका वो मैंने आपको चेक कराई है ठीक है। तो मेरा एडमिशन एक और जगह हो गया है ठीक है, तो बस ये कि मैं यहाँ पर बस आ गया हूँ चेक करने, सुबह मेरे के लिए आ गए, सोचा कि आपको भी दिखाते हैं। तो अगर आप में से कोई इस्लामी वाला देख रहा है या अभी रिसेंटली जिसने ज्वाइन की है उसको वेलकम करते हैं, उसने चेक कर लिया इस्लामी यूनिवर्सिटी कैसी है ठीक है। और बाकी ओवरऑल सब अच्छा है, जो स्टूडेंट्स से जो यहाँ के सीनियर्स हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो उनका कहना यह है कि बस बाकी तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा एडमिन कमज़ोर है इसमें, थोड़ा सा ना ये मसला है, और बाकी थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको देखोगे यहाँ पर नहीं है, बाकी मेंटेनेंस नहीं है ठीक है। तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, कॉम सेट अगर देखा जाए तो कॉम सेट में यह है कि कॉम सेट जगह छोटी है, मगर वहाँ की मेंटेनेंस वगैरह है पहली बात, एक प्राइवेट और एक बिल्कुल गवर्नमेंट है, फर्क तो होगा, पर अच्छी यूनिवर्सिटी है, अपना अपना माहौल है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ पर ज़्यादा अफ्रीकन बहुत मिलेंगे, यहाँ के इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे ठीक है, हमें भी बहुत ज़्यादा अफ्रीकन मिले हैं। और बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके हॉस्टल बहुत बेहतरीन है, हॉस्टल इसके ना बेहतरीन हॉस्टल हैं, और उनके जो नाम हैं वो इन्होंने खुलफाए राशिदीन के ऊपर नाम रखे हैं, जैसे हज़रत उमर, अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि आपको पता है इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो बाकी आप जितने डिपार्टमेंट यहाँ के विज़िट करोगे ना तो उसका बी इब्न हैशम, इब्न खलदून, इस तरह के जो उन्होंने मेन मेन जो आपकी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नाम इन्होंने ना ये हॉस्टल्स और बाकी ये सारे डिपार्टमेंट्स रखे हुए हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी हर जगह पे अच्छी चीज़ें भी पाई जाती हैं, बुरी चीज़ें भी पाई जाती हैं, पर
ये है कि ऑल दी बेस्ट, आपको अच्छा लगता है ब्लॉग तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत टाइम हो गया था मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, और इंशाल्लाह अभी दोबारा शुरू हो गए। तो अभी हम टाटा करते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।